शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना के खिलाफ जंग को औद्योगिक समूहों से मांगी मदद। इस कड़ी में सीएम ने की कई नामी उद्योगपतियों से वार्ता। उत्तराखंड में रिकॉर्ड 7783 नए कोरोना मामले आए सामने। 157 संक्रमितों की हार मौत 59,200 तक पहुंचा आंकड़ा। उत्तराखंड के 11 जिलों में 6 से 10 मई तक रहेगा पूर्ण कर्फ्यू। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की तेज गति ने बढ़ाई चिंता। बीते वर्ष की तुलना में दोगुना बढ़े कोरोना के मामले। उत्तराखंड में अब वेतन के लिए शिक्षकों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। 37 करोड़ की राशि जारी। कोरोना संक्रमित जवानों को अस्पताल पहुंचाने को पुलिस ने शुरू की एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस मिलने में आ रही दिक्कत के चलते लिया फैसला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। राजधानी देहरादून में कोरोना कर्फ्यू 10 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पहले की तरह कई आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से छूट मिलेगी। हालांकि छूट के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस दौरान सार्वजनिक व निजी वाहनों का आवागमन और निरंजनपुर मंडी में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि बुधवार देर रात जिलाधिकारी ने कर्फ्यू में 4 दिन की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया है कि उन सभी आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी जिन्हें अब तक छूट रही है। हालांकि राशन और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान अब केवल गुरुवार और शनिवार के दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। खबर उत्तरकाशी के चिन्याली सौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कोविड प्रभारी मंत्री स्वामी यतीशुरानंद और यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने संपूर्ण जिले के अस्पतालों का भ्रमण करके जनता के लिए कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कहा है कि जहां जरूरत हो शीघ्र व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व प्रशासन की टीम त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। साथ में कल शुक्रवार को मंत्री व विधायक यमुना घाटी के अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत को सेवा इंटरनेशनल संस्था की ओर से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेंट किए गए। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का उपयोग महंत इंद्रेश अस्पताल द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सभागार में सेवा इंटरनेशनल संस्था की ओर से मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मुश्किल समय है, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। सरकार कोविड को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। महेंद्र इंद्रेश अस्पताल के डॉक्टर यशवीर दीवान ने बताया कि इन कंसंट्रेटर्स का उपयोग अस्पताल में मरीजों के इलाज में किया जाएगा। अवसर पर सेवा इंटरनेशनल के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक तनुज पंडित, शशांक नेगी उपस्थित रहे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने 100 ऑक्सीजन सिलेंडर देने पर ऑकनॉर्थ कंपनी के सीईओ ऋषि खोसला का भी आभार व्यक्त किया है। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उत्तरकाशी दौरे पर रहे। इस दौरान वो दिवंगत गंगोत्री विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत की 13वीं में शामिल हुए। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा संगठन मदन कौशिक, गणेश जोशी जिले के प्रभारी मंत्री, मनवीर चौहान प्रदेश मीडिया प्रभारी ने विधायक के परिजनों से मुलाकात की और परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। कोरोना महामारी के चलते मातली हेलीपैड पर जिला अध्यक्ष रमेश चौहान के साथ कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता ही सीएम की अगुवानी में पहुंचे थे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही स्वर्गीय गोपाल रावत के नाम पर कोई बड़ी घोषणा करेगी।
त्रिकोण। खबर नैनीताल से है, जहां राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल इन दिनों अपने निजी दौरे पर नैनीताल में हैं। इस दौरान कपिल सिब्बल ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के चलते देश में हालात बेकाबू हो रहे हैं, जिन पर काबू पाने में केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। नैनीताल के मुक्तेश्वर मंदिर पहुंचे कपिल सिब्बल का कहना है कि देश में कोरोना वायरस के चलते करीब 20,000 मौत प्रति सप्ताह हो रही है, इसके बावजूद भी संक्रमण को नियंत्रित करने में सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार के द्वारा अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर समेत बेड की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई और रोजाना सरकार की नाकामियों के चलते हजारों लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। इस समय चुनाव की बात करना उचित नहीं है जी, और उनके परिणामों के बारे में बात करना भी उचित नहीं है। जिस देश में जिस तरह से महामारी चल रही है, जिस तरह से हमारे लोग बिना ऑक्सीजन के उनकी मृत्यु हो रही है, जिस तरह से अस्पतालों में बेड्स नहीं है, और पिछले दो हफ्तों में लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इस समय चुनाव की बात करना या उनके परिणामों की बात करना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। वो वक्त जब आएगा तब करें। खबर देहरादून से है, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ सुझाव मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दिए। इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस की ओर से कई सुझाव दिए गए, तो सरकार की खिंचाई भी की गई। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को हर संभव सहयोग देने की बात कही गई। प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री को कहा है कि प्रदेश में तीरथ सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम और संक्रमित मरीजों को समुचित इलाज दे पाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। प्रीतम सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थितियों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में कोरोना से होने वाली मौतों की दर देश के राष्ट्रीय औसत से भी कहीं अधिक है। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 45 वर्ष उम्र से ऊपर के व्यक्तियों के लिए 3,00,000 वैक्सीन उत्तराखंड पहुंच गई है। साथ ही 18 वर्ष से ऊपर के लिए वैक्सीन के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष वैक्सीन कंपनी को दिए गए हैं। जल्द ही 1,22,000 कोविड के टीके उत्तराखंड को मिलेंगे। रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें 1 वेंटिलेटर और 4 ऑक्सीजन बेड पर थे। अस्पताल में कोविड के 85 मरीज इलाज करवा रहे थे। इस मामले के उजागर होने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही तय हो पाएगा कि मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है या दूसरे कारण से। जानकारी के मुताबिक देर रात डॉक्टरों ने मरीज को तीमारदारों को बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और वह लोग अपने मरीजों को कहीं और ले जाएं, जहां ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। वहीं अस्पताल की ओर से इस प्रकार की बात सुनकर परिजनों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने अपने स्तर से भी भाग दौड़ शुरू कर दी। वहीं बताया यह भी गया कि रात करीब 2 बजे ऑक्सीजन खत्म हुई तो कुछ लोगों के प्रयास से छोटे ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम अस्पताल प्रबंधन ने किया और मरीजों को ऑक्सीजन देने का प्रयास किया, लेकिन रात करीब 3 बजे तक यह ऑक्सीजन भी समाप्त हो गए। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन भी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाई। गैस
गहनता से गंभीर घटना रिपोर्ट की गई है, इसमें गहनता से जांच की जाएगी। इसे मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई है, जिसमें हमारे साथ साथ एक पैनल मेडिकल एक्सपर्ट्स भी लोग रखे गए हैं। तो इसमें सभी तथ्यों की गहनता से जाँच करते हुए सारे तथ्यों को उजागर किया जाएगा, और जिस भी स्तर पर खामियां लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोरोना फुल स्पीड पर है। लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में हर रोज कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमितों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले एक सप्ताह के भीतर कोरोना से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 200 से भी अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा वायरल और खांसी जुकाम के मरीजों की भी बाढ़ सी आ गई है। वहीं सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम न होने के कारण लोगों को निजी अस्पतालों में अपने मरीजों का इलाज कराना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ चलते मरीजों को अस्पतालों की गैलरी और गेट के बाहर भी लिटाकर बिना कोविड जांच के भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। बुखार की वजह से यहाँ भर्ती कराया था, अब हम उनकी जांच को भटक रहे हैं। उनकी जांच ना तो नए ब्लॉक में हुई, ना पुराने ब्लॉक में हुई, ना कोई आरटीपीसीआर करने वाला है, ना कोई एंटीजन करने वाला है। कहाँ कौन से कोविड जो ये बना रखे है, जो कोविड के जो हॉस्पिटल बना रखे हैं, इनको भर्ती कैसे कराऊँ हम, जब तक हम जाँच नहीं करवाने के। और जाँच करवाने की कहीं हम भटक लिए, सारा दिन भटक लिए, नए हॉस्पिटल में गए और पुराने ब्लॉक में गए, सारे में चले गए। सभी जगह जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग एडमिट हैं उनके हम लोग कोविड की जांच करा रहे हैं, एंटीजन करा रहे हैं और उनका आरटीपीसीआर करा रहे हैं। सबको आगाह कर रहे हैं उनके हर एक मैनेजर को, डॉक्टर साहब को, कि जब तक भी किसी के पास कोई एंटीजन रिपोर्ट ना हो या कोविड की निगेटिव रिपोर्ट ना हो तो उसको भर्ती तब तक उसको देख करके करें, उसके सिम्टम पर करें। दूसरा हमारा ये है कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, उस अस्पताल में डेथ हो गई, यहाँ डेथ हो गई, कुछ लोग ऐसे रूमर फैला रहे हैं जो हम लोगों ने बाद में तथ्य पाया कि वो गांव में डेथ हुई, लोग छिपा रहे हैं। हमारा सभी से ये कहना है कि किसी को बुखार खांसी कुछ भी हो रही है, अस्पताल में आइए, तुरंत अपनी जांच कराइए और अपने को आइसोलेट रखिए। खबर लक्सर से है, कोरोना की दूसरी लहर फुल स्पीड पर है। पिछले सप्ताह में कोरोना से 6 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से भी अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा वायरल और खांसी जुकाम के मरीजों को भी बाढ़ सी आ गई है। सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम ना होने के कारण लोगों को निजी अस्पतालों में अपने मरीजों का इलाज कराना पड़ रहा है। अस्पतालों में भी मरीजों की भारी भीड़ के चलते मरीजों को अस्पताल की गैलरी और गेट के बाहर भी लिटाकर बिना कोविड जांच के भर्ती किया जा रहा है। और लोगों का कहना है कि सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं संबंधित दावे पूरी तरह से हवा हवा हैं। कुछ तीमारदारों ने बताया कि मरीजों का एंटीजन व आरटीपीसीआर जांच नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वे सरकारी अस्पताल और कोविड जांच केंद्रों के चक्कर काटते घूम रहे हैं। हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग एडमिट हैं उनके हम लोग कोविड की जांच करा रहे हैं, एंटीजन करा रहे हैं और उनका आरटीपीसीआर करा रहे हैं। सबको आगाह कर रहे हैं उनके हर एक मैनेजर को, डॉक्टर साहब को, कि जब तक भी किसी के पास कोई एंटीजन रिपोर्ट ना हो या कोविड की निगेटिव रिपोर्ट ना हो तो उसको भर्ती तब तक उसको देख करके करें, उसके सिम्टम पे करें। दूसरा हमारा ये है कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, उस अस्पताल में डेथ हो गई, यहाँ डेथ हो गई, कुछ लोग ऐसे रूमर फैला रहे हैं जो हम लोगों ने बाद में तथ्य पाया कि वो गाँव में डेथ हुई, लोग छिपा रहे हैं। हमारा सभी से ये कहना है कि किसी को बुखार खांसी कुछ भी हो रही है, अस्पताल में आइए, तुरंत अपनी जाँच कराइए और अपने को आइसोलेट रखिए, ये हमारा उद्देश्य है। काशीपुर के आईजीआई थाना क्षेत्र में बारात आने पहले लड़की वालों के द्वारा आयोजित समारोह में मानक से अधिक भीड़ उपस्थित थी। सूचना मिलने पर एसपी काशीपुर प्रमोद कुमार और आईटीआई थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी मैं पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंची। इस दौरान सत्यम पैलेस में पुलिस को मौके से सैकड़ों की संख्या में लोग मिले। इस दौरान पुलिस ने आयोजक और पैलेस मैनेजर के खिलाफ धारा 144 के तहत भीड़ जुटाने को लेकर कोविड नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान मौके पर मौजूद अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करना है। शादी विवाह समारोह में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा रही है।
इधर से गुजर रहे तो दुर्गे की शादी में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। जब उधर के देखा गया तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, जबकि अनुमन्य संख्या जो है 50 से अधिक नहीं होती थी। तो यहाँ तो तकरीबन जो है 150-200 आदमी से भी अधिक संख्या में पब्लिक मौजूद थी। उनको जो थाना पुलिस को कॉल किया गया, थाना पुलिस भी आ गई और मौके पर वीडियोग्राफी कर ली गई है। और अब जो पक्ष है तो ये पहले के मालिक है उनके खिलाफ, और जो दूसरा पक्ष है यहाँ से जिसके द्वारा शादी ऑर्गेनाइज की जा रही थी तो उसके उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून और मसूरी के बीच कई छोटी पहाड़ियों को पूरी तरह काटकर अंधाधुंध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राधिकरण उपाध्यक्ष एमडीए व नगर आयुक्त को देहरादून और मसूरी तलहटी पर किए गए फुटहिल पॉलिसी के खिलाफ गैरकानूनी निर्माण को सील कर 27 मई तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 27 मई को तिथि निश्चित की है। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से फोटोग्राफ के माध्यम से उच्च न्यायालय को दिखाया गया कि कैसे पहाड़ी दर पहाड़ी को काटकर धड़ल्ले से असंतुलित विकास की आड़ में छोटी छोटी पहाड़ियों का किया जा रहा है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड के निर्माण नीति में 2015 के संशोधन के प्रस्तर पर 4 के अनुसार 30 डिग्री के अधिक ढल पर निर्माण की इजाजत नहीं है। यह जनहित याचिका देहरादून निवासी रीनू पॉल द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि देहरादून और मसूरी की तलहटी के बीच में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती थी, हिलॉक्स होते थे, उनको बिल्कुल दर्दनाक तरीके से काट कर उनको पूरी तरह से उजाड़ कर वहाँ पर अनियंत्रित निर्माण किया जा रहा है जो गैरकानूनी है। क्योंकि 2011 की बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से और जून में 2015 में संशोधन हुआ उनके अनुसार 30 डिग्री से अधिक की स्लोप पर निर्माण करना निषेधित है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन और नगर आयुक्त देहरादून नगर निगम को कहा गया है कि वह एक रिपोर्ट प्रेषित करें 27 तारीख तक। मंगलौर में कोरोना के चलते दर्जनों मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है तो वहीं क्षेत्र में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने की मांग की जा रही है। सरकारी मदद न मिलने के बाद कांग्रेस से मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपने निजी खर्चे से मंगलौर क्षेत्र के बारात घर को ऑक्सीजन सेंटर बनाने की पहल की, जिसमें कोरोना पॉजिटिव आए हुए व्यक्ति को आइसोलेशन के दौरान ऑक्सीजन की कमी पड़ती हो तो तत्काल ऑक्सीजन सेंटर में जाकर कोरोना पॉजिटिव आए लोगों का इलाज किया जा रहा है। एक ऑक्सीजन सेंटर में एम्बुलेंस आने तक और अन्य हॉस्पिटल में व्यवस्था होने तक मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाएगी। इस ऑक्सीजन सेंटर में सीएससी मंगलौर के चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन की इस पहल से लोगों में एक आस जगी है। संक्रमित मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ते ही जा रहे हैं। बात करें ऑक्सीजन की या बेडों की, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल उनमें बेडों और ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, जिससे काफ़ी मौतें भी हो रही हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर से कुछ दूरी पर स्थित आर के फार्म में ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बारात घर है, आर के फार्म के नाम से है। यहाँ कुछ ऑक्सीजन पॉइंट तकरीबन 7 ऑक्सीजन पॉइंट की व्यवस्था की गई है इमरजेंसी के लिए। इसकी देखरेख के लिए मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर भूपेंद्र हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। सर, यहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, ये जो हमारे विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, उनके सहयोग से और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ये एक स्टैंड बाय पर्पज़ के लिए रखा गया है। सपोज मतलब कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, हम होम आइसोलेशन कर दे रहे हैं, बट 3 या 4 दिन बाद जब उसको सिम्टम आ रहे हैं, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो उसके देखते हुए क्योंकि ऑक्सीजन कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ये बनाया गया है कि स्टैंड बाई पे हम 2-3 घंटे तक, जब तक हम अपने रेफरल्स यूनिट में या रेफरल सेंटर पे उनके लिए बेड या ऑक्सीजन की सुविधा अवेलेबल नहीं हो जाती, सपोज़ किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो 2 घंटे में एम्बुलेंस आ रही है, तो तब तक वो यहाँ स्टैंड बाई पे ऑक्सीजन ले सकता है। यहाँ ऑक्सीजन की ही सुविधा है, ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ना जाए, इसीलिए इस पर्पज से ये यहाँ पे बनाया गया है। तो डॉक्टर भूपेंद्र का यह कहना है कि यहाँ इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है,
काजी नवाजुद्दीन के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस महामारी में लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि महामारी में लोगों का साथ दें, उचित दूरी बनाए रखें और सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद मंगलोर। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तरकाशी के नगरपालिका बड़कोट से है, जहां उत्तराखंड ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व में यमुनोत्री विधानसभा से प्रत्याशी रहे संजय डोभाल ने नगर पालिका बड़कोट के हॉस्पिटल में डॉक्टरों, कर्मचारियों व सफाई कर्मचारी सहित नगर में कई लोगों को इस कोरोना काल में सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही सैनिटाइजर और ग्लूकोज उपलब्ध करवाया गया। इस सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर, अस्पताल कर्मचारियों और सफाई कर्मियों ने इन सभी लोगों का आभार जताया। बाजपुर में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते कब्रिस्तान में लगे पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाजपुर के ग्राम जोगीपुरा निवासी अशोक कुमार बुधवार सुबह ग्राम नंदपुर के टोपा में बने कब्रिस्तान में पहुंच गया, जिसके बाद अशोक कुमार ने कब्रिस्तान से चादर लेकर पास में बनी मजार के बाहर लगे पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही कब्रिस्तान में आत्महत्या करने की लोगों को सूचना मिली, वैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली संजय पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। देखिए, एक ये युवक है जो कि जोगीपुरा बन्नाखेड़ा का रहने वाला है। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने कब्रिस्तान यानी टोपा में आके फांसी लगा ली है। इस सूचना में पुलिस मौके पर पहुंची और जो शव है उसको कब्जे लिया। इस पर उसका पंचायतनामा भरा और आगे की कार्रवाई जो कि पोस्टमार्टम की है वो कराई जा रही है। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां चुनाव नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुई हिंसा को लेकर डोईवाला भाजपा ने आक्रोश जताया और डोईवाला एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। आज भाजपा कार्यकर्ता डोईवाला तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने बंगाल हिंसा को लेकर आपत्ति जताते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्रवाई की मांग की। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल व भाजपा जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि बंगाल में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसका भाजपा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इसी संबंध में आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई है। देखिए, भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार वहाँ के अपने स्वयं के नागरिकों का नरसंहार कर रही है। पिछले 24 घंटे में जैसे हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं 11 कार्यकर्ताओं की हत्या करी है, कई दुकानों पे लूटपाट करी है, घरों में आग लगा दी गई है, कार्यालय में आग लगा दी गई है। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चुनी हुई सरकार, एक निर्वाचित सरकार ऐसा कर रही है।
और हम सब भाजपा कार्यकर्ता उसी घोर वसना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसी तानाशाही सरकार को, ऐसी क्रूर सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। खबर सितारगंज से है, जहां निकटवर्ती ग्राम कनपुरा मटिया में ग्राम प्रधान के आवास पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रेस को अपने बयान में प्रधानपति ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में एक ग्राम चौकीदार तैनात है, जो लगातार ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रहा है। उस गांव से गुजरने वाले राहगीरों को भी काफी परेशान करता है, साथ ही सब्जी की फेरी करने वाले लोगों से भी अवैध रूप से वसूली करता है। उनके द्वारा 2 माह पूर्व में मानक नानकमत्ता थाना इंचार्ज के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को पद से हटाने के आदेश जारी किए थे। बैठक में मौजूद ग्राम प्रधान ने भी उक्त ग्राम चौकीदार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनका कहना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के बावजूद वह ग्राम सभा में कैसे कार्यरत है। मांग की है कि तत्काल प्रभाव से उन्हें हटाया जाए और थाना नानकमत्ता की अर्जी को दी गई है। वो चौकीदार जो ग्राम परिधि का है, वो खाली जो सब्जी निकालते हैं वहाँ से फेरी करते हैं, जो उनको परेशान करता है और गांव से काफ़ी परेशानी आती है उसके बारे में। तो इसकी तरीके से ग्राम प्रधान से कह के हमने, तो हमने जो थाना अध्यक्ष हमारा कमलेश भट्ट, उससे कहा था उसको हटा के, उसके बाद कोई समझ में नहीं आ रही है उसको कैसे रखा गया है। ये हमारा ग्राम चौकीदार है विनोद आर्या, आए दिन गांव वालों को प्रताड़ित करता रहता है और मुझे भी, मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ। और मेरे पिताजी डेली से ले जाते हैं, कहते हैं कि नामता होके घूम के आओ, जबकि हमारा रास्ता बिस्टी होके जाता है। तो इसको जल्दी से जल्दी हटाने की मैं थाना अध्यक्ष कप्तान से चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हटाया जाए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप गे न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।